हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड दीपू गुप्ता एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पित्त की थैली की पथरी के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा नेम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, राइट। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये सब लोग को समझ में आ जाए, खास करके मेडिकल ड्रामे के स्टूडेंट हो या फिर नॉन मेडिकल हो। और ये वीडियो खास करके 3D में बनाया हुआ रहेगा ताकि लोग को समझने में ईजी हो जाए कि हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, दिखता कैसा है और क्या इसका पेन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, क्योंकि गॉल ब्लैडर को हम लोग समझ लेंगे अच्छे से तो गॉल स्टोन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गॉल ब्लैडर के देख लेते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। देखिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा गॉल ब्लैडर है जिसका सिर्फ एक ही है क्लिनिकल होता है जो कि गॉल स्टोन होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग गॉल ब्लैडर के बारे में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, होता क्या है गॉल ब्लैडर का। ये हमारा गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, ये है एक कॉनिकल पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर है। पियर एक फल होता है, तो एक पियर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिस मस्कुलो मेम्ब्रेन सैक कर रहता है, मतलब मसल से घिरा हुआ एक पॉन्च लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गॉल बाइल होते हैं। बाइल आता है जो लीवर से सिक्रीट करके होता है, बोलिए तो एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि करीब 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में इसका लेंथ होता है, राइट। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया यहाँ पे, और इसका ये जो बाइल डक्ट हो जाता है, इसके थ्रू बाइल यहाँ इस डक्ट के थ्रू लीवर में आते हैं, जो कि आपको ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाएंगे अच्छे से। देखिए ये हमारा लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर के यहाँ साइड से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर से लीवर का ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है ये जो डक्ट हो जाता है, एक सेकेंड फ्रेंड, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट देख रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ पे लिख रहा है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल बनता है लीवर से, राइट। तो वो कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू जाता है किस में, तो वो जाता है गॉल ब्लडर में, को क्या जाता है बाइल, ठीक है। ये इसी रास्ते के थ्रू होके जाता है, और यहाँ पे होता क्या है कि जब गॉल ब्लडर में हमारा बाइल जाता है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी का सिस्टम समझ रहा है कि खाना खाते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है हमारा, इस स्क्वीज हो कर करके बाइल जितना भी रखे हुए रहता है अपने पास में वो निकाल देता है किसके थ्रू, ये जो हमारा डक्ट है, देखिए कॉमन बाइल डक्ट, और ये इसी के रास्ते होके आता है। पहले आपको यहाँ से समझ रहे हैं, यहाँ के बाद ये डक्ट होते हैं, यानी कि सिस्टिक डक्ट होते हैं। सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर में जाएगा हमारा ये बाइल, जब लीवर हमारा बनाएगा बाइल तब, ठीक है, जब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या होगा कि यही गॉल ब्लैडर इसी डक्ट के यानी सिस्टिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे फिर कॉमन बाइल डक्ट में भेज देगा ये क्या बाइल, राइट, जब खाना खाएंगे तब। और इस समय होता क्या है कि देखिए हमारा ये पिनक्रियाज है, राइट, ये हमारा पिनक्रियाज है, ठीक। अब पिनक्रियाज भी करता क्या है कि पिनक्रियाज भी हमारा एक पिनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, जब हम खाना खाते हैं तो दोनों एग्जैक्ट टाइम पे पिनक्रियाटिक जूस भी क्रिएट करता है, राइट। अब हम पिनक्रियाटिक जूस का आने का रास्ता देख लेते हैं यहाँ पे, जो भी ये भी डक्ट के थ्रू आता है। देखिए जो ये हमारा पिनक्रियाटिक डक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, इसी के थ्रू पिनक्रियाटिक जूस, ठीक है, आता है यहाँ पे। ये भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट, ठीक है, ये है हमारा स्मॉल इंटाइन जो इसको ड्यूडनम बोलेंगे, और ये वाले पार्ट में आकर के हमारा बाइल, ठीक है, और पिनक्रियाटिक जूस दोनों आकर के यहाँ पे गिरता है, जिसमें क्या होता है कि खाना कभी भी हमारा, देखिए ये स्टमक है, स्टमक में आने के बाद सबसे पहले तो ड्यूडनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, और उसमें खाना में ये जो हमारा बाइल है और ये क्या पिनक्रियाटिक जूस दोनों मिल करके खाना को फर्दर डाइजेस्ट करने के काम आता है। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बाइल है फैट को पचाने में काम करता है, जो भी फैटी फूड खाएंगे, जैसे देखते होंगे आप कभी भी गॉल स्टोन का पेशेंट होगा तो उसमें एक चीज़ फैट पचने में काफ़ी दिक्कत होती होंगी उनको, जैसे कोई भी फैटी फूड खा लिए, राइट, जैसे कि फिश वगैरह या फिर चिकन वगैरह, कोई भी मिल्क हो गया, फैटी फूड कोई भी खा लिए फूड में भी, तो क्या हो जाता है कि उनको पचने में बहुत दिक्कत होती है,
क्योंकि उसमें होता क्या है कि गॉल ब्लैडर जो हमारा स्टोन बनाता है, स्टोन मतलब रहता है उसमें, जिसके कारण क्या होता है कि बाइल जल्दी से आ नहीं पाता है यहाँ पे हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट ड्यूडेनम में, राइट। तो वो बाद में हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग गॉल स्टोन के बारे में, गॉल स्टोन होता क्या है उसका टाइप्स बताएंगे, तब इसके बाद में मैकेनिज्म हम लोग बता देंगे कि कैसे कैसे इसका गॉल स्टोन का कैसे कैसे बनता है और कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। तो पहले टाइप हम लोग बात करते हैं, गॉल स्टोन बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, नाम पढ़िएगा कोलेस्ट्रॉल। ये किन में होगा, जिसका ये ओबिसिटी रहेगा, ओबिसिटी वाले पेशेंट यानी कि जिसका मोटापा रहेगा ज़्यादा उनमें होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सीधा सा बात है इसमें। इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन हो जाता है हमारा लीवर, मतलब गॉल जब बाइल सिक्रेट करेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा फैटी मतलब वहाँ से ही भेजेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो बाइल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ रहा है, जिसके कारण क्या होता है वही कोलेस्ट्रॉल बाद में जो बाइल यानी कि जो इसमें मतलब बाइल यानी बाइल जाता है किसमें, आपको पता है यहाँ गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में कुछ दिन ज़्यादा रह जाने के कारण क्या होता है वही कोलेस्ट्रॉल बाद में एक पत्थर का शेप ले लेता है, जो छोटा छोटा एक चने का लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, किसी में एक बड़ा हो जाता है, लेकिन कॉमनली या छोटा छोटा चने की ओर देखा जाता है, जो कि ब्राउन शेप में होता है, वाइट शेप में होता है, जब उसका कोलिसेस्टोमी किया जाता है यानी कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है टोटली, तो उसमें एक दिखाता है काट करके, वहाँ पे कोई भी नर्सेस स्टाफ कोई होंगे तो काट के दिखाएंगे, उसमें से बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कोनिकल शेप में यानी चने शेप का मतलब कोई निकला है गॉल स्टोन, राइट। तो वो तो बात की बात है, और ये हम लोग देख लिए कि हाँ कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होता है क्या, आप लोग बात कर लेंगे ब्लूबरीन गॉल स्टोन के बारे में कि ब्लूबरीन गॉल स्टोन होता क्या है, ठीक है। तो बिलिब्रिन कोलेस्टोन यानी कि इसका नाम से पता चल रहा है बिलिब्रिन, बिलिब्रिन क्या है, पिगमेंट क्रिएट करता है लीवर हमारा, ठीक है। जब भी कोई रेड ब्लड सेल्स का टूटना होता है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं कहीं रेड ब्लड सेल मतलब जैसे स्प्लीन में जाकर टूटते हैं वहाँ पे लीवर में, अब होता है क्या है कि लीवर में किसी तरीका का कोई भी इंजरी होता है, ठीक है, किसी भी तरीका का इंजरी होता है, तो लीवर हमारा कुछ ज़्यादा ही बिलिब्रिन जो है से बनाने लगता है। तो बिलिब्रिन बनाने से होता क्या है कि यही बिलिब्रिन बनाने से क्या होता है कि ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है वहाँ पे बाइल डक्ट के थ्रू चल जाता है हमारा ये गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में जाने के बाद होता क्या है कि गॉल ब्लैडर तो वो बाइल निकाल नहीं पाता है, क्योंकि बिलिब्रिन सॉरी बिलिब्रिन निकाल नहीं पाता है, क्योंकि बिलिब्रिन का निकालना है आपको मतलब यहाँ शरीर से बाहर उसको निकालने का काम रहता है, लेकिन बहुत लोग में होता क्या है कि बिलिब्रिन नहीं निकलता है हमारा ये गॉल ब्लैडर से। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर मतलब वेट लो वाले बॉडी में होता है, जैसे कि वेट लो बॉडी जिसका कि कभी कभी देखते होंगे कि किसी का वेट जो है ऐसे नॉर्मल रहता है, ठीक है, और उसको भी गॉल स्टोन होता है, तो वो बिलिब्रिन का गॉल स्टोन होता है, जिसको ऑपरेशन के बाद उसको दिखाया जाएगा, तो उसमें एक ब्लैक ब्लैक कलर का उसमें छोटा सा पिगमेंटेशन टाइप का मतलब स्टोन दिखेगा, जो कि बिलिब्रिन का स्टोन होता है, राइट। तो ये हो गए टाइप गॉल ब्लैडर के। अब हम लोग इसके कॉजेज में बात कर लेते हैं, तो कॉजेज बेसिकली इसमें ज़्यादातर तो कॉजेज पता नहीं चलते हैं, लेकिन दो ही इसमें कॉजेज मतलब पता चलता है, एक कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, इसमें क्या होता है कि लीवर हमारा जो बाइल क्रिएट करता है उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इसके बॉडी में रहता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल जा करके जब आपको बताएं ये कोलेस्ट्रॉल वो जा करके गॉल ब्लैडर में जा करके स्टोर हो जाएगा, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बोला जाता है। और इसका दूसरा कॉजेज मतलब होता है कि टू मच बिलिब्रिन क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो होता है। अब हम लोग बात कर लेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, आखिर आपको गॉल स्टोन होगा तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए यानी लक्षण देखने के लिए क्या मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, एक हम लोग जिससे हम लोग एक कोऑर्डिनेट कर पाए कि हाँ ये गॉल स्टोन का साइंस हो सकते हैं, गॉल स्टोन को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लीवर के जस्ट नीचे पेन रहेगा, जिससे कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये हमारा बॉडी है, आप लोग लीवर के नीचे जैसे देख रहे होंगे गॉल ब्लैडर, वहाँ पे पेन होगा, तो हम लोग खुद से कर पाएंगे कि हाँ ये गॉल स्टोन का पेन है, राइट। वोमिटिंग होगा, ठीक है, अगर कोई भी जैसे कि गॉल स्टोन किसी को होगा, राइट, उसको अगर कोई फैटी फूड खिला देंगे या फिर नॉर्मल फूड भी कभी कल खिलाएंगे तो उस वोमिटिंग होगा, लेकिन फैटी फूड में अधिकतर वोमिटिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, थीके? तो
तो खा लिया ऐसा कोई फैटी फूड, तो उसमें क्या होगा कि वोमिटिंग हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन, एक कॉन्स्टिपेशन आप लोग पेशेंट में देख रहे होंगे, जैसे कि जिसका गॉल स्टोन रहता है उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज हो जाएगा उनको, ठीक है। अब कब्ज क्यों होगा, देखिए इसके पीछे का रीजन ये है, जब हम लोग खाना खाएंगे तो खाना के टाइम में जो हमारा बाइल आना चाहिए लीवर से सिक्रीट हो करके, लीवर से सिक्रीट होकर के गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होकर के हमारा जाता है किस में, ड्यूडनम वाले पार्ट में, जो कि फैट पचाने का काम करता है। लेकिन वहाँ पे सिंपल बात है कि कोई बाइल गया ही नहीं है, ठीक। तो सिंपल सा बात है कि बाइल जब कोई नहीं जाएगा तो खाने को पचने में काफ़ी दिक्कत होगी, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कि अपच, इसको कब्ज बोलते हैं, ठीक है, वो होगा। सिंपल सा है। अब हम लोग इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन है किसी को, तो सिंपल सा बात है कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद गॉल स्टोन का, खास करके लीवर का भी अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। लीवर का अल्ट्रासाउंड इसीलिए करवाएंगे वहाँ पे क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि लीवर का भी, जैसे देखिए आपको बाइल जब बनेगा तो स्टोर होने में काफ़ी जो रहता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन, वहाँ स्टोर वहाँ पे होगा। लेकिन क्या हो जाता है कि जब स्टोन बन जाता है तो स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण लीवर को भी ग्रेड वन का ये फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग ऐसा भी लीवर को स्थिति देखने के लिए ही लीवर के पास में भी कराया जाता है और गॉल स्टोन करा अल्ट्रासाउंड कराया ही जाता है तो देखने के लिए सोनोग्राफी के थ्रू कि हाँ इसका कितना एमएम का गॉल स्टोन है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में अगर कहेंगे तो लगभग 6 एमएम 5 एमएम का गॉल स्टोन रहता है, तो वो बहुत सारे मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। और सीवियर लेवल यानी कि आपको 7-8 सेंटीमीटर 9-10 सेंटीमीटर के आसपास में अगर गॉल स्टोन रहता है तो उसमें सर्जन, ऐसा सर्जन या फिर कोई भी आपका जनरल फिजिशियन देख करके ये बता पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको फर्दर क्या करना है, ऑपरेशन कराना है गॉल स्टोन का, सर्जरी कराना है, या फिर मतलब नॉर्मल मेडिसिन से करना है, ठीक ठीक है। तो सिंपल से बात है कि अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा, ब्लड टेस्ट में हम लोग पता लगा लेंगे भी। ब्लड टेस्ट में तो ऐसे नॉर्मली WBC ये सब बढ़ने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ब्लड टेस्ट में, डायग्नोस में मेनली अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा हम लोग को अच्छे से कि गॉल ब्लैडर का क्या मतलब, कितना सेंटीमीटर का स्टोन है वगैरह रहेगा, तो स्टोन इसमें इजिली दिख जाएगा। तो हम लोग ये बात कर लिए। अब हम लोग टोटली ट्रीटमेंट में बात करेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट में इसका क्या है। तो ट्रीटमेंट जिसका लेस देन बताए ही हैं कि 5 एमएम, सॉरी वहाँ पे सेंटीमीटर हम बोले होंगे कभी, कि सेंटीमीटर में वो अल्ट्रासाउंड में आता है कभी कल, तो अल्ट्रासाउंड में कभी भी 0.5 एमएम, देखिए 1 सेंटीमीटर यानी कि आप साइज समझ पा रहे होंगे, जो हम गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से नीचे का गॉल स्टोन जो है ट्रीटेबल रहता है, और किसी किसी केसेस में नहीं ट्रीटेबल रहता है, क्योंकि डॉक्टर हैं 3 महीना 4 महीना तक मेडिसिन खिला के देखेंगे, अगर ठीक हो जाता है विदाउट सर्जरी तो ठीक ही रहेगा, अगर 1 सेंटीमीटर के आसपास में हो गया है या फिर अबव हो गया है उसके तो सर्जरी ही प्रीफर करेंगे। तो ये मतलब एमएम में हम बोलने वाले थे उस समय कि 0.5 एमएम के आसपास में अगर है, तो सिंपल सा है कि कोई भी मेडिसिन अगर मतलब जो सर्जन या फिर सर्जन सॉरी जनरल फिजिशियन जो देखेंगे इस फील्ड के, वो अच्छे से इस चीज़ के बारे में बता देंगे कि हाँ कौन सा मेडिसिन किस फेज में खाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका देख लिए और मोर देन रहा तो सर्जरी, मोर देन 5 या फिर 1 सेंटीमीटर 5 एमएम या फिर 1 सेंटीमीटर के आसपास में रहा तो सर्जरी कराएंगे, जो कि कॉलिसिस्टेक्टोमी के नाम से सर्जरी होगा। The surgeon makes several small cuts or incisions in your belly for laparoscopic surgery. इसमें दो तीन जगह दिखा रहा है। A small amount of carbon dioxide gas may be carbon used to inflate your belly. डाला जाता है पेट में थ्रू, ताकि पेट खुले और ऑर्गन दिख जाए, और एक कैमरा घुसाया जाता है इसमें, हमारा ऑर्गन दिखने लगता है लैप्रोस्कोपिक के थ्रू। Surgery tools are put through the other incisions. The gallbladder is taken out through one of the incisions. The scope and other instruments are then removed. If you have open surgery, a 2-3 inch incision is made in the upper right side of your belly. The surgeon will gently push aside your abdominal muscles and liver and take out the gallbladder through this incision. हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि गॉल स्टोन में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट नहीं करवाने से कॉम्प्लिकेशन इसका बहुत खतरनाक तक हो सकता है, ठीक है, डेंजरसफुल हो सकता है, जिसमें हम लोग
ये देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिल जाता है। अब हम लोग उसका मैकेनिज्म बताने वाले हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या देखने को ऐसा मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा लीवर है, लीवर है, और लीवर के जस्ट नीचे हमारा गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कॉम्प्लिकेशन हम एक बहुत अच्छा बताने वाले हैं। देखिए, और ये हमारा गॉल ब्लैडर जो आपको लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, एक सेकेंड, और अच्छे से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि जब आप खुद इमेजिन करिए कि यहाँ पे, यहाँ ये जो हमारा सिस्टिक डक्ट यानी कि सॉरी ये हमारा हिपेटिक डक्ट, ठीक है, हिपेटिक डक्ट के थ्रू अगर बाइल बनेगा तो बाइल इस रास्ते से स्टोर हो करके और यहाँ हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें आके स्टोर होगा, राइट। अब यही हमारा जो बाद में स्टोन जो है, ठीक है, स्टोन जब केसेस में मोर फर्दर केस में अगर स्टोन बनेगा तो ये स्टोन गलती से अगर खिसक करके यहाँ अगर आ जाता है इस रास्ते यानी सिस्टिक डक्ट में, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को। हल्का फुल्का दर्द फील हो सकता है पेशेंट को, जो कि ठीक ठाक है, बाद में सर्जरी करवा सकता है पेशेंट कुछ दिनों में। लेकिन यही स्टोन अगर धीरे धीरे अपने रास्ते चेंज कर करके इस रास्ते में अगर आ जाए, ठीक है, ये वाले रास्ते यानी कि कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते में अगर आ जाता है, तो अब होता है यहाँ पे क्या, ये स्टोन यहाँ पे आकर अटकेगा। तो सिंपल बात है कि जो भी हमारा लीवर हमारा बाइल सिक्रेट कर रहा है, या तो वो जा कर के इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बाइल हमारा लीवर सिक्रेट करता है फैट पचाने के लिए, तो आप लोग को अमाउंट होगा अच्छे से पता कि मतलब बाइल कितने में कितना हमारा लीवर सिक्रेट कर सकता है आसपास में, लगभग 400-500 के ml के आसपास में मतलब बाइल सेक्रेट कर सकता है लीवर, ठीक है। तो आप सोचिए कि लीवर का जो बाइल है वो यहीं पे आके स्टोर होगा, ठीक है, और इसके नीचे के रास्ते के थ्रू जाएगा ही नहीं डाइजेस्टिव यानी कि डूडनम वाले पार्ट में, जो कि आप लोग को एनाटॉमी में हम लोग बताए हैं थोड़ा देर पहले स्ट्रक्चर में कि हाँ कैसे मतलब जाता है। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे अगर स्टोन आके अटक गया तो आगे तो बाइल जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो सारा के सारा कहाँ रह गया, बाइल लीवर के आसपास वाले एरिया और यहाँ के आसपास में यानी कि गॉल ब्लैडर के, ठीक है। अब क्या होगा कि बाइल जब काफ़ी ज़्यादा मतलब लीवर के आसपास, जो लीवर अपना बनाता है कोई चीज़ तो अपने पास रख नहीं सकता है, बाइल रखने वाली चीज़ नहीं है लीवर के पास, वो तो या तो सेक्रेट करके किसी को दे देगा या बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक। तो अब क्या रहा कि मतलब लीवर के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब बाइल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा बाइल लीवर सिक्रेट करता है। उस समय देखेंगे आप छोटा छोटा जॉन्डिस में किसी का टेस्ट कराए होंगे तो जॉन्डिस देखने को मिल रहा होगा। तो जॉन्डिस में क्या होता है कि बाइल उसमें जब टेस्ट कराइएगा उसको CBC कराएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा बाइल जैसे इंक्रीज है इनमें, ठीक है। तो अब क्या मतलब बाइल इंक्रीज इनमें हो जाएगा, तो सिंपल बात है कि अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा इसमें। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जब जॉन्डिस हो जाएगा तो किसी को पता नहीं ना रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में तो एक जो है से ये स्टोन आकर यहाँ पटक जाएगा, तो पेशेंट 2-3 दिन तक पेन किलर खा के ये देख लेगा कि हाँ दर्द भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। आखिर फिर डायग्नोस कराने जाएगा तो जब अल्ट्रासाउंड में, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, और जो हमारा स्टोन है वो आकर के यहाँ जो ये वाले पार्ट यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में आके अटका हुआ है। तो कॉमन बाइल डक्ट में अटकने के बाद आपको लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितना बड़ा बीमारी हो गया है यहाँ पे। तो यही एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत खतरनाक क्रोन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जिसमें लीवर फेलियर यानी कि लीवर सिरोसिस होने का भी चांसेस रहता है फ्यूचर में, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 3 भी पार कर जाएगा हमारा ये क्या बोलते हैं फैटी लीवर, उसके आगे मतलब लीवर सिरोसिस होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को समझाने में कि गॉल स्टोन होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एक फ़ोटो हम इमेजिन यहाँ पर शेयर कर देना चाहते हैं, दोनों जो गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि सॉरी कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन और बिलिब्रिन गॉल स्टोन कैसा दिखता है, राइट। आई होप कि ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा आप लोग को। उम्मीद है कि अगर कुछ इसमें डाउट आप लोग को फील होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का अगर इसमें रिलेटेड अगर क्वेरी है तो आप हमको ये
आपको मैसेज के थ्रू ही आप मतलब बता सकते हैं। हम आप लोग को फिर आगे फर्दर बात करके इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।